आज हमारा टॉपिक रहेगा साइंस टेक। साइंस टेक अगर प्री के हिसाब से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो GS 3 का पार्ट है उसमें साइंस टेक आती है। तो यहाँ प्री के 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, मेंस के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं या कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वी विल डिस्कस ओनली बेसिक साइंस टेक इन दिस नोट्स, और उसके अलावा जो साइंस टेक बचेगी उसको हम करंट के कुछ चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, उसको नोट्स भी नोट डाउन करेंगे उसको, ताकि मानें। तो पहले आपको साइंस टेक का एक टेक, पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक, जिसे बोलते हैं जैव तकनीकी। बायोटेक यानी कि जैव तकनीकी, तो इसको पढ़ेंगे। ध्यान रखना, हमारे साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा, बायोटेक्नोलॉजी इसका एक पार्ट है, इसमें कई है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक परमाणु टेक्नोलॉजी, ये 5-6 चैप्टर है ना, इनके आधार पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से जानने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम जान लेते हैं, ये देखो पहली बात तो कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना, कि जैव प्रौद्योगिकी वो होती क्या है। आपको पता है बायोलॉजी का मतलब जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, ये सब बायोलॉजी में आते हैं, है ना, और इनमें परिवर्तन, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जंतु है जो जैव है उस जीव के अंदर। अब जीव में ध्यान रखना, पेड़ पौधे और मानव, ये सब आते हैं, और जानवर जो जिनमें जीव है, उन जीव के अंदर तकनीक का प्रयोग करके हम कोई टेक्नोलॉजी करें उस जीन में, उसमें क्या इच्छित परिवर्तन कर सकते हैं, इच्छित परिवर्तन करके कुछ मनवांछित यानी अपनी इच्छा अनुसार परिणाम उनको प्राप्त कर सकते हैं, जो तो संपूर्ण मानव जगत और संपूर्ण जीव जगत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्जांपल के लिए मान लो, मैंने बताया था आपको कि मान लो कोई एक का वो कपास है, ठीक है ना, कॉटन, कॉटन। अब कॉटन में क्या है कि रोग लगता था, और वो रोग क्या करता है, कॉटन को नष्ट कर देता है। तो क्या किया, कॉटन का हमने एक जीन लिया, और उस जीन में क्या किया कि BT नाम का, मतलब जो उस रोग के प्रति एंटीबॉडी रखने वाला जीव है, उसका जीन इसमें डाल दिया, किसमें, कॉटन। इससे क्या है कि कॉटन का ये जीन अब जीन में चेंज कर दिया हमने, और इससे क्या हमने मनवांछित परिवर्तन क्या पाए कि अब इस BT कॉटन, जो BT कॉटन बनता है, इस BT कॉटन को वो जो जीव खाता था वो नहीं खाए पाया, क्योंकि उसके प्रतिरोध प्रतिरोधक क्षमता इस जीन के अंतर्गत हमने डेवलप कर दी। इसी बोलते हैं मनवांछित परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, मनवांछित परिवर्तन करके मानव इच्छा के अनुसार, मानव जाति के लिए, हम कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, शराब बनाने के लिए आपको पता है हम करते हैं, पनीर, एंटीबॉडी, इंजन, हार्मोन, ये आगे सब पढ़ेंगे डिटेल से, जो है कि इन्फॉर्मेशन है, BT कॉटन आ गया, गोल्डन राइस है, ये बताऊंगा, सब आगे आ जाएंगे, इनको डोंट वरी, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए यहाँ तो आपको इतना समझना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जो जीव में, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आते हैं, इनके जीन में परिवर्तन करके, इनके मतलब इनमें किसी जीन में कर सकते हैं, इनके गुणसूत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर परिवर्तन करके मनवांछित परिवर्तन, मनवांछित हैं वो परिणाम पाए जाते हैं। और सही तो उद्देश्य है कि इन मनवांछित परिणामों का क्या किया, इनका उपयोग हम किसके लिए करें, मानव हित के लिए करें, मानव कल्याण के लिए करें, वही है। इसका उपयोग, दुरुपयोग भी होता है, दुरुपयोग बताएंगे हम कैसे हुआ है। जैसे बायोवीपन बना लेते हैं, बायोवीपन क्या होता है कि जैसे कोरोना है, कई बार बोलते हैं कि कोरोना है, चीन ने क्या किया, बायो रिसर्च करके एक ऐसा जीन बना है जिससे, मतलब क्या आरोप लगाया जाता है, हालांकि सत्य तो क्या है अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन बोला कि कहीं ना कहीं जो एक नया जीव बना रहे थे, एक ऐसा जीव बन गया जो वायरस के रूप में आया, और उसने क्या किया कि उसको एंटीबॉडी करने के लिए, उसको मतलब मारने के लिए कोई चीज़, उसको इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया होगा कि कोई नया कोई उसकी प्रतिरोधक क्षमता बने नहीं, वो फ्लेक्सिबल हो, अपना रूप बदल जाए, अपना आकार बदल जाए, ताकि कोई उसको बने। तो इसलिए क्या है, जैव प्रौद्योगिकी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी में हम आगे देखेंगे, सबसे पहले बेसिक बायोटेक देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं, DNA का एक सबसे छोटा क्रियात्मक, जो मानव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें सबसे जो कार्य करवाने वाला जो कारक होता है, होता है जीन। हमारी बॉडी में जो जीन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और इससे क्या होता है, क्रियात्मक इकाई है जो हमारे शरीर के लक्षणों का निर्धारण करता है। ध्यान रखना, जीन का प्रमुख कार्य शरीरों का लक्षण निर्धारण करता है ना, एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है,
कभी कभी हो सकता है एक जीव में एक से अधिक लक्षण। ये आप जानना है किसने प्रस्तुत की, बैडल और टॉटम नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको स्थापित किया कि जीन है उसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंतर्गत जो लक्षण है उनका निर्धारण करना। और जब भी आप बोल रहा है जैसे हमारे कोई बीमारी होती है तो जीन में ही कोई चेंजेस होता है, हमारे सेल टूट जाते हैं, सेल के अंदर का जीन रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर का जो लक्षण दिखाते हैं उस बीमारी के प्रति, जैसे वायरस आया उसने हमारे जीन को डैमेज किया, हमारे बॉडी में लक्षण दिख जाते हैं कि कोरोना वायरस वाले हैं। तो जीन क्या है, डीएनए की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है जो एक लक्षण को निर्धारित करती है। और डीएनए क्या है, डीएनए जो लक्षण, डीएनए देखो जीन है, जीन के, जीन किसमें पाए जाते हैं, डीएनए। तो क्या करता है जीन, किसको करते हैं लक्षणों को निर्धारित, और डीएनए क्या करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सॉरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, डीएनए क्या करते हैं कि जो जीन होते हैं इनको क्या करते हैं संयोजित रखते हैं, इनको क्या करते हैं संचय करते हैं। और इससे क्या होता है जो जीनों को संचित करते होंगे तो लक्षणों का भी संचय होता है, क्योंकि एक जीन क्या करता है लक्षणों का निर्धारण करता है। डीएनए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड है, और एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड हो सकता है ना, मतलब सॉरी डीएनए को बोलते हैं हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का पूरा बैडलाइन विस्तार हम आगे देखें किस तरीके से बनता है। इसके बाद होता है क्रोमोजोन, क्रोमोजोन का मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं उनका क्या करता है ट्रांसफर करता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, डीएनए प्लस प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र, जो क्या करते हैं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करते हैं। देखो जीन, जीन के जिसमें किसमें पाए जाएंगे डीएनए में, और डीएनए में क्या जुड़े होंगे गुणसूत्र जुड़े होंगे, है ना। उसके अलावा क्या होता है केंद्रक, ये कोशिका का मस्तिष्क होता है जो हमारे सेल होती है, ध्यान रखना ये की जो ध्यान रखना, ये सारी प्रक्रिया हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर। केंद्र क्या होता है, कोशिका का मस्तिष्क होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो सेल है उसको पूरी तरह कंट्रोल करता है, क्योंकि ये इसकी सभी अनुवांशिक पदार्थ तो उसमें आप अपने आप रख लेता है। और जीन डीएनए सब किस्में आते हैं केंद्रक में, जैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र के अंदर डीएनए हो गया, और डीएनए के अंदर जीन हो गया इस तरीके से। और ये केंद्रक किस्में होता है सेल में, तो सबसे बड़ा तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सेल है। कोशिका जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिका के विषय में स्लाइड और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोशिका सभी को सुरक्षित करती है, और कोशिका से ही हमारे पर सारी जीवों का निर्माण, हमारा उसका निर्माण होता है। तो ये अगर इसको सर्कल को देखें कि सबसे पहले जीन, जीनोम, जीनों का समूह होता है, और जीनोम के बाद आते हैं गुणसूत्र, डीएनए जो क्या करता है जीनों को संयोजित कर सकता है। जंग डीएनए पर पाए जाने वाले जीन जंग डीएनए कहलाते हैं, जंग डीएनए पर जो जीन पाए जाते हैं उनको जंग डीएनए कहते हैं। ध्यान रखना ये लक्षणों का निर्धारण करता है ये, और ध्यान रखना कई डीएनए 70 से 80% जो जीन होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, तो मुख्य रूप से 30 से 25% है जीन है वो एक्टिव होते हैं, तो जीनों का निर्धारण करता है। और ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा ये हो गया जीन, ये हो गया क्या डीएनए, और डीएनए किसमें पाए, डीएनए किसमें पाया जाता है क्रोमोजोन में, और क्रोमोजोन किसमें पाया जाता है केंद्रक में, और केंद्रक किसमें पाया जाता है सेल में। ध्यान रखना अगर हम तकनीक के माध्यम से इन सेल में, केंद्रक में, क्रोमोजोन में, इनमें अगर इन लेवल पर अगर परिवर्तन करके हम मनवांछित परिणाम, परिवर्तन हम मनवांछित परिणाम पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीन बायोटेक। ध्यान रखना जीन जैव तकनीक, यानी कि जीन इकाई पर जाकर के उसमें परिवर्तन करना, और जीन में क्या आते हैं ये सब आते हैं, है ना, इसको बोलेंगे जीन बायोटेक। कौन कौन से जीनों, अगर मान लें कोई जीन में परिवर्तन कर रहा है, मान लें कोई डीएनए में परिवर्तन कर रहा है, मान लें कोई क्रोमोजोम में परिवर्तन कर रहा है, केंद्र में कर रखा है, तो ये सारे क्या और सेल में कर रहा है, यहाँ तक अगर मान लें किसी की सेल कम खराब है उसको रिप्लेस करना, उसको करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी कहलाई जाएंगे। और कौन सी बायोटेक्नोलॉजी, जीन बायोटेक्नोलॉजी कहलाएंगे। और अगर आपको बताया सेल से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है कंगाल, कंगाल से मिलकर बनता है शरीर, शरीर एक शरीर बनता है तो जनसंख्या बनती है, जनसंख्या अगर जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या जब एक कई विभिन्न चीज़ों की जनसंख्या एक साथ रहेगी तो समुदाय बदल जाएगा, और समुदाय विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहेगा तो इकोसिस्टम क्या रहेगा, इकोसिस्टम के अंतर्गत बायोम या पर्यावरण बढ़ते हैं, बायोम जो किसी स्पेशल जलवायु पाई जाती है और स्पेशल जलवायु क्रम में स्पेशल प्रकार के प्रजाति मानव पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको लिंग बायोम, और बायोम से बड़ा होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर से बड़ा होता है एक्सोस्फीयर, स्पेस। ये एक तरह से पूरा पूरा ब्रह्मांड का निर्माण इस तरीके से हुआ है। लेकिन लेकिन इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देने वाली है उसमें सबसे बड़ा ध्यान देने है कि देखो अगर आप इन यहाँ तक इन चारों चीज़ों में
अगर कुछ परिवर्तन करके मनवांछित परिवर्तन पा रहे हो, मनवांछित परिणाम पा रहे हो, तो वो होगी जीन बायोटेक। अगर मान लो किसी पेड़ पौधे के जीन में जाके परिवर्तन कर दिया, उसे गुणसूत्र में बदल दिया, उसे क्रोमोजोम और एक गुणसूत्र में उसके डीएनए को काट करके आधा डीएनए काट कर दूसरा डीएनए रिप्लेस कर दिया, ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? जीन बायोटेक के अंतर्गत आएगी। और अगर उत्तक से लेकर के अगर शरीर तक आप किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन करते हो, शरीर को मतलब कंगाल में परिवर्तन, इसमें जो है ये इसको बोलेंगे नॉन जीन बायोटेक। ठीक है, तो ये पूरा एक वो है जो किस तरीके से, और ये सब चीज़ ध्यान रखना। जीन का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है, लक्षणों का निर्धारण करती है। क्रोमोजोम उनको स्टोर करते हैं, सॉरी डीएनए क्रोमोजोम उनको क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं। केंद्रक ये सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और केंद्रक किस में पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना अगर वायरस की बात हो, वायरस ध्यान रखना सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वायरस हमेशा सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी होते हैं। जो निर्जीव होता है और सजीव होता है, उन दोनों के बीच में जो काम एक्टिव करने वाला कारक है, ध्यान रखना वायरस को जब सजीव आदमी मिल जाता है तो एक्टिव हो जाता है, तो निर्जीव आदमी मिल जाता है तो पड़ा रहता है चुपचाप, कोई काम नहीं करता। तो इस प्रकार वायरस की ये बड़ी विशेषता होती है। और वायरस किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है प्लस प्रोटीन। अब सबसे बड़ी बात है, अगर ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की सबसे बड़ी खास बात है क्या कि क्यों हमारे पास अलग अलग तरह के डेल्टा आ रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, और इसकी वजह से हमें बड़ी समस्या खड़ी करता है, हमारे साथ ढंग से वैक्सीन भी काम नहीं कर पा रही है, हम इसके लिए ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो बना है, ये बना हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन से, और आरएनए से जो बना होता है वो निरंतर अपना क्या बदलता है? आकार बदलता रहता है। डीएनए में क्या है? आकार फिक्स हो जाता है, लेकिन आरएनए में क्या पता नहीं हर पल में हर घंटे में आकार बदल देता है। तो जब आकार बदल देगा तो हम उसको ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति हम एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाएंगे, वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये समस्या कोरोना वायरस के साथ आ रही है। अब हम सेल को देखते हैं। सेल यानी कोशिका है, जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होते हैं, और ये जो बायोटेक से जुड़े जो भी सब कारक है वो सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं, चाहे वो जीन हो, चाहे डीएनए हो, चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे केंद्रक हो। सेल दो प्रकार की होती है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, थोड़ा नाम ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक जो सेलें होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल बोलते हैं हम, वो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है किसके अंतर्गत? मुख्य रूप से बैक्टीरिया के अंतर्गत। और यूकैरियोटिक सेल होती है वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? प्लांट, एनिमल, प्रोटोजोआ, सब फंगस, इनके अंतर्गत वो पाई जाती है। तो अगर हमें बताता हूँ सबसे पहले कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है वो सेल होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें सेल के अंतर्गत बिखरी हुई होती है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया के अंतर्गत जो सेल पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिनके केंद्र सेल के अंतर्गत क्या पाया जाता है? सेल, जिनमें सेल के अंतर्गत क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। और इसकी अगर देखें तो इसमें केंद्रक होता है, और ये किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में। और ये किसमें? प्लांट, प्लांट है जो फंगस प्रोटोजोआ इनमें सब में पाई जाती है। ये इन दोनों में अंतर सेल का, कोई पूछे प्रोकैरियोटिक और कैरियोटिक सेल का मतलब ये है। इसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जो मुख्य रूप से जीव जंतु के सामान्यतः ये समय पाई जाती है, ज़्यादातर चीज़ों में ये पाई जाती है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, एक होता है बॉडी सेल और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। बॉडी सेल जिसे सोमेटिक सेल के नाम से भी जानते हैं, सोमेटिक सेल का जो हमारे बॉडी का निर्माण करने वाली जो जितनी भी सेलें होती हैं उनको सबको बोलते हैं हम सोमेटिक सेल या बॉडी सेल, जो हमारे बॉडी का ढांचा तैयार करती है। और रिप्रोडक्टिव सेल वो सेल होती है जो उस बॉडी का सेक्स को डिसाइड करती है, लिंग को डिसाइड करती है, उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये इसमें आपको पता है दो सेल मुख्य रूप से होती है, एक स्पर्म जो मुख्य रूप से मेन में होता है, और एक एग जो मुख्य रूप से किस में होता है? फीमेल के अंतर्गत होता है। तो ये होता है, तो लिंग का निर्धारण करने का काम कौन सी करती है? रिप्रोडक्टिव सेल। और शरीर का निर्धारण करने का काम करती है वो कौन सी करती है? बॉडी सेल या सोमेटिक सेल। अगर सबसे बड़ी सेल की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रिच का अंडा जिसकी सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे छोटी सेल की बात करूँ तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करूँ तो न्यूरॉन्स होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना पेड़ के हिसाब से। इसके बाद सेल का आपको पता है सेल का विभाजन होता है, तो ये होता है अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन का मतलब होता है कि जो सेल कट करके दो भागों में जाती है जिनमें गुणों की समानता होती है,
मान लो कोई सेल थी, अब होता सेल तो कोशिकाएं तो तुरंत बढ़ती रहती है, बट डिवाइडेशन होता जाता है, शरीर उसी से एक्टिव होता है। हमारे शरीर में जब कोशिकाओं का डिवाइडेशन बंद हो जाता है तब आदमी की क्या बुढ़ापा देखना चालू हो जाता है, उसके बाद आदमी मतलब बॉडी काम नहीं कर पाती, बॉडी बेकार नहीं होता, इसलिए सेल है वो तुरंत अपना क्या करती है विभाजन करती जाती है, नई नई सेलों का निर्माण करती जाती है। देखो दो है, विभेदक और विभाजन, दोनों मंत्र हैं। विभाजन का मतलब है कि एक सेल है ये टूट करके दो भागों में बट गई, फिर और इन दोनों भागों में जो गुणों की है वो समानता है, इसका मतलब इनमें सेम जीन है, क्योंकि गुणों का निर्धारण करने का काम कौन करता है, जीन करता है लक्षणों का निर्धारण करने का काम। और विभेदक सेल किसे, विभेदक विभाजन क्या बोलेंगे, जब कोई सेल विकास हुई उसका विखंडन हुआ और विखंडन के दौरान जो दो अलग अलग सेल बनी उन दोनों के गुणों में क्या पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, उसे बोलते हैं विभेदक सेल, विभेदक और सेल विभाजक, जिनके गुणों में विभाजन के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। अगर हम फादर मदर के अंतर्गत मेल फीमेल के अंतर्गत देखें तो वहाँ को पता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें 44 गुणसूत्र प्लस एक्स बाई ये तो होते हैं मतलब मेल में मैन में मतलब ये तो मेल में होते हैं, और फीमेल में क्या होता है 44 प्लस एक्सेस, क्या ना। अब इस 44 को अगर हम देखें थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा, तो देखो 44 प्लस ये एक्स, 44 प्लस ये एक्स बाई है, तो 44 से इनको बोलेंगे हम सोमेटिक्स है, क्योंकि ये 44 है शरीर का निर्धारण करते हैं, शरीर का ढांचा वासा उसको तैयार करते हैं। और जो एक्स वाई है ये क्या करता है, लिंग करता है, जिसमें एक्स वाई होता है तो इसका मतलब मेल है और एक्स एक्स होता है इसका मतलब फीमेल है, इस आधार पर क्या करते हैं डिसाइड, इनका निर्धारण होता है गुणसूत्र से। इसलिए ध्यान रखना ये कौन सी सेल है, जिनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल, और इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम सोमेटिक सेल, इनको ये सोमेटिक सेल है। तो उसी आधार पर इसमें बताया गया कि 22 प्लस एक्स प्लस वाई होता है, तो इसमें सेक्स का निर्धारण करने वाली ये सेल होती है, ये शरीर का निर्धारण करने वाली ये होती है, इस तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे 22 अगर मैं बात करूँ जैसे अगर कोई चीज़ 22 मतलब ये है, तो इसमें अगर क्रिया करवाएंगे तो 44 प्लस एक्स वाई एक्सेस हो जाएगा, तो इससे क्या है कि ये 22 प्लस एक्स निर्धारण करता है शरीर का और एक्स निर्धारण करेगा सेक्स का, वाई निर्धारण करेगा वाई सेक्स का, तो इसलिए इनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल, इनको बोलेंगे सोमेटिक सेल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूँ है ना, ये एक एसिड होता है और इस एसिड से कहाँ पाया जाता है एसिड, ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, और जिस वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मेसर। नाम याद आ जाए ठीक है, बट कोई ध्यान रखना, फ्रेडरिक मेसर ने इसके साथ क्या की गई थी। ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है डीएनए और एक होता है एनए आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड और एनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लियोसाइड एसिड। तो जो न्यूक्लियोसाइड एसिड है हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियोसाइड एसिड पाता है, इसमें डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए होते हैं उसको डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड और राइबो और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लियोसाइड एसिड। इसमें जो डी ऑक्सीराइबो होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शुगर, शर्करा होती है ये, और डीऑक्सी इसमें भी होता है शर्करा, इसका मतलब डीएनए में शर्करा पाई जाती है अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें हम। और न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए का जो बेस होता है जिससे न्यूक्लियोटाइड बना होता है उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखना डीएनए की फुल, अगर डीएनए की मैं बात करूँ तो डीएनए का फुल फॉर्म डीएनए, इसका मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड। तो डीऑक्सी तो हो गई शर्करा, ठीक है। अभी देखो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, देखो डी ऑक्सी हो गई शर्करा, ठीक है ना, और न्यूक्लियोटाइड है वो हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया कौन सा, न्यूक्लियोटाइड को देखूँ तो ये जो बेस प्लस बेस होता है हमारा, जो बेस कौन से होते हैं मैं बताता हूँ, डीएनए में जो बेस होते हैं और आरएनए में जो बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, बेस ये बेस दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन बैग और एक पिरामिडिन और प्यूरिन। पिरामिडिन के अंतर्गत दो आए पाए जाते हैं एडेनिन और गुआनिन, और दोबारा सुन रहे हैं कि जो बेस है इनको दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो डीएनए हालांकि इतना यूपीएससी नहीं आता लेकिन थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर पूछ लें तो, कि न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए है और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। डी ऑक्सी का मतलब होगा इसमें शर्करा पाई जाती है और न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत उसमें बेस है, और बेस कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन बैग बेस और एक होता है पिरामिडिन बेस। और प्यूरिन के अंदर का दो बेस पाए जाते हैं एडेनिन और गुआनिन, जिसको एडेनिन को ए से व्यक्त करते हैं गुआनिन को जी से व्यक्त करते हैं। इसी का पिरामिडिन के अंदर का तीन पाए जाते हैं थायमिन साइटोसिन और यूरेसिन। अब इनसे डीएनए और आरएनए का इनके अंतर्गत फिर बैंड होते हैं बंड,
तो देखो सरगरा हो गई, सरगरा आपको पता है ये हो गई राइबोस सरगरा, डी ऑक्सी राइबोस सरगरा। अब अगर देखो पूरे डीएनए का निर्माण करना हो तो देखो बेस प्लस सरगरा इज इक्वल टू क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो बन जाएगा। तो मैं इतना ध्यान रखना, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें डीएनए के अंतर्गत जो इनका वो होता है, तो डीएनए होता है ए डबल टू, ये डबल बैंड से बंधे होते हैं है ना, और ये टू ए इसके साथ होगा किसके साथ, टी के साथ और जी सी, ये तो पाया जाता है कि इसमें डीएनए में स्ट्रक्चर ठीक है ना। और अगर आरएनए में बात करूँ तो ए डबल बॉन्ड ये हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको ऐसे ही देखना ऐसा ही ये देखो। अगर इनका ये देखें निर्माण करें तो ध्यान रखना डीएनए और आरएनए के अंतर्गत जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर का मतलब ये होगा एक बेस पेयर दो बेस पेयर, ये बेस पेयर होते हैं। और अगर डीएनए के बेस पेयर को देखें तो ए डबल बॉन्ड के साथ बना रहता है एडिनिन, ये का मतलब एडिनिन, टी का मतलब थाइमिन, ये डबल बॉन्ड के साथ बना होता है किसके साथ, ए और टी के साथ। और ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ बना होता है, ये किस में पाए जाते हैं आपको पता है डीएनए। और अगर आरएनए की बात करूँ मैं तो आरएनए में डबल बॉन्ड के साथ यू रहता है ए के साथ, और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी रहता है। इस प्रकार आने में ये अंतर पाया जाता है। ध्यान रखना आरएनए में ये यू रहता है, यूरएनए होता है इसके साथ, किसके साथ आरएनए में, ये दोनों का अंतर ध्यान रखना। तो डीएनए क्या है, डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, और डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है ध्यान रखना। इसमें एक तो न्यूक्लियोसाइड एसिड पाया जाता है, शर्करा पाई जाती है, ये इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद अगर डीएनए के तुम निर्माण को देखोगे तो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए के एक दोहरी कुंडली के माध्यम से निर्माण होता है। देखो डीएनए किससे बनता है, मैंने बताया था एस होगा एक्स शुगर है ना, पी का मतलब होगा उसमें पी को अगर देखें पेंटोज होता है, पी का मतलब पेंटोज, ये हो गया जैसे ये लिखा हुआ है फॉस्फेट। ध्यान रखना इसमें एक फॉस्फेट अम्ल, देखो अब मैंने बताया था ना कि इसकी फुल फॉर्म मैं दोबारा और बता रहा हूँ, एक बार और थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन, इसको ध्यान रखना। डीएनए को देखो, डीएनए राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और एसिड, तो एसिड कौन सा पाया जाता है इसमें डीएनए आरएनए में, एसिड पाया जाता है फॉस्फेट एसिड, ये एसिड पाया जाता है फॉस्फेट, तो पी का मतलब होगा फॉस्फेट एसिड ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होगा बेस, और इसका मतलब होगा सरगरा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो डीएनए किससे बना होगा, एस डीएनए आरएनए किससे बनता है, एस प्लस बी का मतलब बेस और पी का मतलब फॉस्फेट। तो इसलिए एक डीएनए बनने के लिए अगर डीएनए बनना है तो देख एस पी और ये बेस का मतलब ये होगा ना, ये बेस होगा पूरा, ए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा टी के साथ, और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा किसके साथ, सी के साथ। तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये होते हैं ये बेस पेयर होते हैं, ये बेस पेयर, और ये बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये ड्रोड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड ही ध्यान रखना, ये छोटे छोटे जो बॉन्ड होते हैं ना, जैसे मैं दोबारा कहता हूँ, जैसे अगर डीएनए बनाना है मुझे तो कैसे बनाऊंगा, देखो डीएनए की आकृति आपको पता है कैसे बनती है, डबल बॉन्ड कैसे होते हैं डीएनए का, ऐसे मान लो एक ही हो गया और एक ही होता है, इसमें क्या ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे ये हो गया एस प्लस पी, एस का मतलब शुगर, पी का मतलब फॉस्फेट एसिड, और इसमें न्यूक्लियोटाइड और जुड़ेगा जब जाके क्या बनेगा ये डीएनए बन जाएगा। तो एस प्लस पी, इधर भी S+P और इधर भी S+P ठीक है ना। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेस, तो बेस हो गया, मैंने क्या बोला बेस में ध्यान रखना, A डबल बॉन्ड T के साथ जुड़ता है, D ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जुड़ता है, ये तो आएगा DNA में, और A डबल बॉन्ड U के साथ जुड़ेगा, G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जुड़ेगा, ये आएगा RNA में, ध्यान रखना स्ट्रक्चर में ठीक है। तो देखो कैसे निर्माण होता है, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड के साथ जुड़ूंगा यहाँ ये हो गया A डबल बॉन्ड T है ना ठीक है ना, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ प्लस 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 हो गया, तो इस प्रकार ये एक बन गया, ये पेयर बन गया पूरा, और इसको मैं बात करूँ तो जी ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दूंगा किसके साथ, सी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, तो ये हो गया एक पेयर हो गया। और एक बॉन्ड होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जो सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है आनुवंशिक सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं। और दूसरी बात डीएनए आपको पता है जो दोहरी कुंडली होती है, एक कुंडली ये हुई एक कुंडली ये हुई है ना, इसलिए डीएनए है उधौरी कुंडली के होते हैं। और डीएनए को खोज बोझ करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था वाटसन और क्रिक को 1953 में, ये बहुत रेडी खोज थी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि डीएनए धौरी कुंडली की संरचनाओं का होता है, यह न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बना होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इस आधार पर इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड ठीक है। और ध्यान रखना जीन होते हैं, उसमें 4 से 1000 न्यूक्लियोटाइड प्योर, एक जीन 4 से 100 न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब डीएनए के अंदर
30 से 35 एक डीएनए के अंदर 30 से 35 से ज़्यादा जीन पाए जाते हैं, तो आप बढ़ा सकते हो कितने न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। और डीएनए का निर्माण आपको पता है, सॉरी वो जो गुणसूत्र है उनका निर्माण मैंने बता दिया, डीएनए प्लस हिस्टोजन प्रोटीन है, इससे किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, इतना ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप इतना ध्यान रखना डीएनए का निर्माण जो सॉरी गुणसूत्र है उनका निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इनसे निर्माण होता है, किसका, डीएनए, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा नहीं, अब आपके डीएनए आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के अंतर्गत बॉन्ड कैसे होते हैं ये जरूर ध्यान रखना। ए डबल बॉन्ड टी और डी ट्रिपल बॉन्ड सी आरएनए होता है, ए डबल बॉन्ड यू और टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये होता है किसमें और आरएनए में। तो डीएनए आरएनए को समझ गए हम। अब डीएनए और आरएनए जब बदलते हैं तो ध्यान रखना, डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो इसको बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने पूछा है कि डीएनए को आरएनए में बदलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जब विभिन्न प्रकार के आरएनए जब विभिन्न और बदला हुआ आरएनए होता है, देखो दोबारा देखो प्रोसेस होती है उसका नाम है, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और बदला हुआ होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोमस बदला हुआ को। और आरएनए में आपको पता है तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और एलआरएनए। ये आरएनए के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर के रूप में संदेश भेजता है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, ऐसे इसका नाम दिया गया। अब देखो आरएनए किसमें बदलता है, प्रोटीन में, तो बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ध्यान रखना। और बदला हुआ आरएनए जो प्रोटीन में जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेप्टोमस। और ये प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, राइजोबियम में पाए जाते हैं, जो आपको पता है राइजोबियम जो कोशिका का अंतर पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना। दोबारा मैं आपको ध्यान रखा हूँ शब्दों की परिभाषा जरूर ध्यान रखना। डीएनए को आरएनए में बदलने की जो प्रोसेस होती है, कभी कभी बदल जाता है डीएनए आरएनए में, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए के आरएनए जब प्रोटीनों बदलता है तो बदलने की प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन, और बदला हुआ आरएनए प्रोटीन है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेप्टोमस। बेसिक बाउंड्री ब्लॉक फैक्ट्री ऑफ है ना। और ये किस में पाया जाता है, राइजोबियम में पाया जाता है। और आपको पता है कि राइजोबियम में उप बॉडी की जो मतलब किस में पाया जाता है, राइजोबियम जो ये प्रोटीन होती है ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सेलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको बेसिक बिल्डिंग और ब्लैक फैक्ट्री ऑफ बॉडी के नाम से भी जानता है। तो ध्यान रखना डीएनए की जो धौरी कुंडली होती है, जब इसमें विभिन्न डीएनए की धौरी कुंडली होती है, मैंने बताया था ये वाली फिर ये वाली, अगर इसमें विभिन्न ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन अगर मान लें कोई जीव में अगर वो टेम्परेचर है विभिन्न कारक अम्ल या पहुंच जाते हैं या कोई वायरस पहुंच जाते हैं या विषाणु पहुंच जाते हैं रेडिएशन के माध्यम से, जब डीएनए की धौरी कुंडली टूट जाती है अलग हो जाती है तो उसे बोलते हैं डीएनए का रिकुंडलीकरण कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए के अंतर्गत जो जीव जीन होते हैं संनष्ट हो जाते हैं और इससे कोशिका है वो मर जाती है। जब कोशिका मरेगी तो शरीर का एक पार्ट का हिस्सा वो डैमेज होगा। और जैसे मान लो ब्रेन है, अब इसमें रेडिएशन आई, रेडिएशन ने क्या किया, मेरे ब्रेन के अंतर्गत जो डीएनए है और डीएनए के अंतर्गत जो रिकुंडली जो डीएनए है उसके जो दोहरी कुंडली है उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो रिकुंडलीकरण होगा, रिकुंडलीकरण डीएनए डीएनए के अंतर्गत जो जीन है वो नष्ट हो जाएगा, जीन नष्ट हो जाएगा सेल नष्ट हो जाएगी, और सेल नष्ट हो जाएगी मेरे न्यूरॉन से वो डिग्रेड नहीं होंगे तो मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी। अगर उसमें कोई डाउट है बहुत, देखो थोड़ा जो आप साइंस टेक थोड़ी पहली बार पढ़ रहे हो, हालांकि मैं धीमे धीमे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी समझ में नहीं है तो कृपया करके आप इसको जरूर पूछें, क्योंकि एक बार थोड़ी सी आगे समझ में। तो अब आती है एक टेक्निक आती है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये कैसे होती है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है, ये साइंस टेक बायो जो टेक होती है बायोटेक, उस बायोटेक की एक तरीका है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं बता, इसमें ऐसे करते हैं कि जीव ए है और जीव बी है, ए है और बी है। अब मान लें मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जीव के पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी बेचता है, मान लें ए जो आपका है ये कॉटन है, एक मिनट के लिए कॉटन है, और ये जो जीव है ये मान लें इस कॉटन के अंतर्गत जो रखने वाला जो रोग है उस रोग के प्रतिरोधी जीव है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस मनमांचित जो इसको चुन चूज करेंगे इस जीव को, क्योंकि इसको बचाना है हमें कॉटन को, तो हम क्या करेंगे इसका डीएनए लेंगे, किसका, इसका, और इसका डीएनए लेंगे, उस डीएनए को क्या करेंगे काट लेंगे आधे को, और काटने के बाद इसका डीएनए निकालेंगे उसको भी काट लेंगे, उसको काटने नहीं इसका डीएनए लेंगे उसको काट लेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे जो बाहक है, काटने के बाद इसको ऐसे नहीं ऐसे ही काटते हैं, जो ज़रूरत वाला मंद होगा हिस्सा होगा उसको काट के रख लेंगे, काटने के बाद इसको एक इलेक्ट्रोफोरेंसिक
क्या होती है, एक छलनी होती है, मतलब इलेक्ट्रो फॉरेंसिक होती है, वो अच्छे वाले पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लेगी। सेलेक्ट करने के बाद इसे आधे काटे हुए पार्ट हैं, इसको हम किसके माध्यम से, कोई बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया में एक ध्यान रखना, बैक्टीरिया की खास बात होती है कि उसमें दो डीएनए, मतलब उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंतर्गत दो डीएनए पाए जाएंगे गोलाकार, तो उसमें से एक डीएनए निकाल दिया हमने और उसके डीएनए को काट लिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को डीएनए का काट लिया और एक इसका डीएनए काटा, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे इसमें, और जोड़ने के बाद फिर इस बैक्टीरिया के माध्यम से इसमें क्या करवा देंगे, प्रवेश करवा देंगे। तो इस तरीके से जो जीव है इसका निर्माण होता है। इसको एक बार और देखते हैं हम कि देखो क्या हो रहा है। हेल्थ तकनीक है, रिकम्बिनेंट तकनीक वह तकनीक होती है जिसके अंदर किसी जीव के इच्छित डीएनए के खंड या जीन खंड को बाहक के माध्यम से किसी दूसरे जीव में प्रवेश कराकर मनवांछित परिणाम पाए जाते हैं, मतलब डीएनए को काट करके दूसरे जीन में जोड़ करके या उसके डीएनए को लेकर के दूसरे जीन में ट्रांसफर करके हम मनवांछित जो परिवर्तन पाते हैं उसे बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखो कैसे होता है, मैं दोबारा बताऊँ कि मैं उदाहरण देता हूँ एकदम, ये कॉटन है और ये एक जीव है, मतलब जो मुख्य रूप से कॉटन में लगने वाला जो जीव है उसके प्रतिरोधी जीव है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, कॉटन का अंतर्गत क्या करेंगे, कॉटन में ये क्या करेंगे, इसके जीन हैं, इसको इसके डीएनए को निकालेंगे, इस जीव के डीएनए को, फिर उसको आधा काट लेंगे, आधा काटने के बाद हम ये बैक्टीरिया लेंगे, उस बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या करेंगे, उस जीन को आधा बैक्टीरिया के जीन है, बैक्टीरिया का डीएनए उसको निकालेंगे, इसका डीएनए निकालेंगे, बैक्टीरिया का डीएनए निकालेंगे, और बैक्टीरिया का डीएनए निकाल करके बैक्टीरिया के डीएनए को आधा काट लेंगे, इसको भी आधा काट लेंगे और आधा लगा करके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस कॉटन के जो जीव है इसके डीएनए में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होता है कि इसका जो जीन है वो मुख्य रूप से इस रोग को शामिल कर, इस रोग प्रतिरोधी क्षमता इसको शामिल कर लेगा, जैसे ही वो रोग आएगा उसको नहीं खा पाएगा। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, इसे मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु फसल किसी में भी इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी तकनीक को देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें एक उदाहरण दिया गया है, मान लो ये एक जीव है, इसकी सेल ली, सेल यानी कोशिका ली हमने, कोशिका में से हमने क्या निकाला, डीएनए निकाला, डीएनए हो गया, हाँ पता डीएनए का आकार ऐसा ही होता है, ये डीएनए हो गया, इस डीएनए को हमने काट दिया, काटने के बाद जो ज़रूरत वाला जो खंड है उसको क्या किया हमने, फॉरेंसिक संधि भी जोड़ा, और उसको क्या किया हमने, बाहक, बाहक यानी कि बैक्टीरिया है उसका जो जीव था उसको काट करके उसमें जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इस जीव में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब इस जीव में नए परिवर्तन हो जाएंगे और नए परिवर्तन ऐसे होंगे कि इस जीव के गुण भी इस जीव के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे ये जीव क्या होता है, मल्टी गुण वाला हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की जीव हो रहा है, इस प्रकार की इसमें प्रोसेस होती है। अब देखो इसकी तकनीक के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम जीव का चुनाव करते हैं कि भाई किस जीव का किस जीव में डालेंगे, ठीक है। दूसरा उसको चुनाव करने के साथ साथ उसका ये भी चुनाव करेंगे कौन डालेगा, बैक्टीरिया डालेगा, विषाणु डालेगा, जीवाणु डालेगा, कौन डालेगा। तो उसको जो डालता है उसको बोलते, क्योंकि ध्यान रखना एक चीज़ ध्यान रखना, जीवाणु के अंतर्गत जो बैक्टीरिया होता है उसके अंतर्गत डीएनए है, उसमें एक और एक्स्ट्रा डीएनए पाया, दो डीएनए पाए जाते हैं उसमें, जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ये ध्यान रखना एक सब, जो डी बैक्टीरिया के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो हो गया, अब देखो कुछ प्रोसेस बताइए, चले से पहले जीव का चयन करेंगे, उसके बाद बाहक का चयन करेंगे, और फिर जो जो जीन है जिसमें से हम डीएनए को काट करके दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो उस जीव का डीएनए लेकर के उसको पहले काटेंगे। तो काटने का काम करने वाले जो एंजाइम है, काटने का काम कौन करता है, ऐसा नहीं कि हम कोई चाकू वाकू काटेंगे, एंजाइम के थ्रू काटते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं वो काट देते हैं उसको। तो दो एंजाइम होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करेंगे, काटने का, और डीएनए लाइजिंग एंजाइम क्या करेंगे, उसको जोड़ने का। भाई जैसे एक जीन में से तुम काटोगे, इसमें से काट लिया, लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस है उसमें बाहक है, उसके जीन में जो उसके डीएनए, एक डीएनए में से काट लिया और बैक्टीरिया बाहक है उसके डीएनए में जब उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए उसको तुम्हें कौन सा डीएनए चाहिए, वो डीएनए लाइगेज चाहिएगा, ठीक है ना, तो वो उसमें जोड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो रेस्टिंग एंजाइम काटने का काम करता है, और डीएनए लाइगेज है वो डीएनए के कटे हुए खंड को बाहक जो ट्रांसफर करेगा दूसरे जीव में उस बाहक के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो ये इसके लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, एक तो रेस्टम एंडो न्यूक्लियस और एक रेस्टम एक्सो न्यूक्लियस, जो मुख्य रूप से डीएनए के किसी खंड है उसको काटने का काम करते हैं। इसके बाद अगर इसकी पूरी प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रोसेस मैंने बताई दी कि जैन मैं बहुत आराम से फिर एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे क्या, ये देखो एक प्रोसेस, ये क्या हुआ कि हमने लोगों को इसमें इस एक एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा बहुत काम का एग्जांपल है। क्या हुआ कि जो चावल था
वहाँ पर लोग जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें लोग चावल खाते थे, और चावल खाने की वजह से, चावल खाने के बावजूद उन लोगों की आँखें कमज़ोर थी, उनको दिखाई नहीं जाता था। तो बोला यार का पोषण दिया जाए इनको कि इनको दिखना लग जाए। तो उसके बाद चावल में आपको पता है क्या कमी थी, उसमें विटामिन ए की कमी थी। तो इस राइस में विटामिन ए की कमी होने की वजह से, विटामिन ए की कमी थी, विटामिन ए कैरोटीन का काम करता है, तो कैरोटीन जीन की इसमें कमी थी। तो क्या किया हमने कि एक डेफोडेट नाम का एक प्लांट है, उस डेफोडेट नाम के प्लांट में क्या होता है, कैरोटीन जीन ज़्यादा पाया जाता है, जीन कैरोटीन जो जीन है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने इसके अंतर्गत ये किया कि देखो ये डेफोडेट प्लांट है, इसका क्या लिया मैंने, सेल निकाल दिया मैंने, ठीक है ना, सेल निकाल करके इसमें से हम डीएनए निकाला, ठीक है, फिर डीएनए निकाल करके इसके डीएनए को हमने काटा, ठीक है, काटने के बाद जो बाहक है, अब वो बैक्टीरिया है, उस बाहक के भी डीएनए को निकाला, ठीक है, और डीएनए बाहक के डीएनए को निकाल करके उसको भी काटा, और उसको काट करके इन दोनों कटे हुए जीन डीएनए को हमने लाइगेज नाम के एंजाइम से जोड़ दिया। काटने का काम तो आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किया था, और जोड़ करके फिर इस राइस के क्या किया, जीन में उसको ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होगा कि इसके गुण इसमें समावेश हुए, तो इसमें क्या आ गया, कैरोटीन जीन आ गया। तो इसको बोलते हैं गोल्डन चावल, ध्यान रखना, इसलिए गोल्डन चावल है, उसमें कैरोटीन जीन अधिक पाया जाता है, इसलिए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओरिजिनल चावल में ऐसे नहीं थे, और चावल की मूल प्रजाति में वैसे नहीं थे, हमने दूसरे पेड़ जिसे बोलते हैं डेफोडेट पेड़ की शेप, हमने क्या किया, जीन लिए, और जीन कौन से लिए, कैरोटीन जीन लिए, और उनको ट्रांसफर कर दिया हमने राइस में, इसलिए राइस में कैरोटीन जीन आ गए। अब वो राइस अंधेपन को दूर कर देगा क्योंकि उसमें विटामिन ए बढ़ गया। तो इस तरीके से हम मनवांछित परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरीके से, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, ठीक है ना। अब पूरी सोच, इसको आप एग्रीकल्चर में एक उदाहरण बताई दिया, इसको आप चाहो तो जैवंतु चिकित्सा, मान लें ऐसे, मान लें मेरी बॉडी में अगर किसी बॉडी में, मान लें किसी की बॉडी में कैंसर हो गया, कैंसर मतलब उसकी सेल मर गई हो, या कुछ भी मर गया, उसका जीन मर गया, कुछ मर गया, तो हम किसी दूसरी बॉडी में से लेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें इंटरफेयर कर ट्रांसफर कर देंगे, टारगेटेड रूप से उसको दवाई में डाल, मतलब उसको पहुंचा देंगे, जोड़ देगा, इससे वो सेल हो सही हो जाएगी। इस तरीके से कृषि क्षेत्र में भी मैंने बताया दिया कि जीएम फस्टर्ड, गोल्डन चावल, इनका प्रयोग करने के लिए बीटी कपास, मतलब कुछ भी बना सकते हो आप जीवों में आपस में परिवर्तन करके, है ना। तो इसको इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं हम। फसल को अधिक पोषण युक्त ये बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, गोल्डन चावल अधिक पोषण युक्त चीज़ बनाएंगे, पहले पोषण युक्त नहीं थी, पेट भरती थी लेकिन इसमें कोई पोषण नहीं था, इसी वजह से लोगों की आँखें जाती थी। तो इसमें हमने क्या किया, कैरोटीन जीन है वो डाल दिया, इससे ये क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। इस तरीके से इसका चिकित्सा क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की तकनीक है, इसके अधिक दूध देने वाले ऐसे, अब मान लें कोई भैंस है या कोई जीव है वो कम दूध देता है, और उसके दूध को बढ़ाने के लिए उसकी बॉडी में ऐसे जीनों को ट्रांसफर कर देंगे जो ज़्यादा देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे के माध्यम से, किसी जो अच्छा, मतलब अच्छा प्रजाति है, वो लगता है कि ये जीव अच्छी, अच्छा दूध देती है, उसका जीन लेंगे, डीएनए लेंगे, काटेंगे, काटने के बाद एक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के डीएनए को काट करके उसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये एक प्रोसेस होती है, और उसमें नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि देखो ये तकनीक किसानों को प्रेरित पौधों से वैसे उगाने के लिए, जिससे ये अधिक मूल्य वाला प्राप्त, देखो इसमें क्या होगा, कई हो सकता है एग्रीकल्चर में कैसे नुकसान होता है कि अब मान लें कंपनियाँ ऐसे बीज बना रही है इस तकनीक के माध्यम से, जो क्या करेगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा दे सकती है, और प्रोडक्शन तो कैसे दे सकती है, क्योंकि आपके पास क्या है, जीएम टेक्नोलॉजी है, जीन टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जीन है उसके जीन में परिवर्तन करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें मनवांछित परिवर्तन पा सकते हैं। इससे होता क्या है कि वो जो जीन है, वो जो मान लें नया जीन आ गया, अब इसीलिए हुआ कोरोना के माध्यम से, मतलब ये क्या हो गया कि जब चाइना के वुहान जो लैब है उसमें हो सकता है ऐसा अनुसंधान चल रहा था कोई नए जीन पर, नए जीव पर, नए वायरस पर, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो कृत्रिम रूप से आपस में उल्टा सुलटा जीनों को चेंज किया होगा, तो एक ऐसा वायरस बन गया जो मुख्य रूप से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे उल्टे सुलटे नुकसान होने से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य को नुकसान होता है, एग्रीकल्चर को नुकसान होता है, मानव प्रजाति को नष्ट तक कर देता है। कहीं कोई मान लें किसी दूसरे देश के पास, मतलब कोई मान लें भारत है, अब भारत ने बड़े ऐसा नुकसान करके एक ऐसा वायरस बना दिया जो किसी दूसरे देश के पास तो उसका इलाज नहीं मिल सकता, और उसको छोड़ दे किसी के देश में जा करके उस देश की पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से इसका मिसयूज होने के बड़े चांस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक बड़ी दिक्कत वाली बात। और दूसरी बात, ये एक तरह प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति ने जिसी मानव है, अब मेरी बॉडी को नॉर्मल बनाया, और नॉर्मल बनाया हो सकता है मेरे पे माता पिता, मान लें कई बार ऐसे होते हैं बच्चों के माता पिता बड़े अमीर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे में सचिन जैसे गुण पाए जाए, वो क्रिकेट बच्चा बने, क्या करेंगे, सचिन का डीएनए लेंगे, उसको उस डीएनए को काटेंगे, और उसके विभिन्न प्रकार के दूसरे वायरस बैक्टीरिया के माध्यम से उसके बच्चे में उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इससे उसके बच्चे में वो जीन, वो गुण, वो सचिन का गुण उसमें आ जाएगा, जैसे ऐसा लगेगा कि उसमें सचिन जैसे गुण बदला हो। तो इस प्रकार से मैनी मॉडिफाइड जो मानव उसका भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, मॉडिफाइड जीव जंतु उनको डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये इनका आतंकवाद के मतलब इसको वायरस फैलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है।
जीएम फसलों का निर्माण भी ऐसे ही करते हैं, बीटी कॉपर्स, बीटी कॉटन है, बीटी जो कॉटन है उसका निर्माण भी इसी तरीके से किया गया था, मैंने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक, डीएनए वैक्सीन भी लोग इसे बनाते हैं, वैक्सीन आपको पता है ना। और ये चीज़ है जो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गन बोलते हैं इनको, हम जो सब चीज़ बनाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन क्या होते हैं, देखो आपने एक एक नाम सुना होगा प्लास्टिसाइजर और एक ऑयल जैपर। ये ऑयल जैपर क्या है, ऑयल जैपर एक कृत्रिम रूप से बनाया गया था। ऐसे क्या हुआ कि ऑयल जैपर नाम का एक जीव है, इसके अंतर्गत हमने ऐसे जीन डाल दिए जिससे कि ये तेल को कंज्यूम कर सकें। तो ये क्या ऑयल जैपर है, ये मुख्य रूप से जो ऑयल होता है ना, तेल, उसका कंज्यूम कर लेता है। अब जैसे मान लें समुद्र में क्या हुआ, तेल फैल गया कोई जहाज़ में से, और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाएगा, मछलियों के और के छोटे छोटे जीव जंतु। तो क्या करते हैं कि हम ऑयल जैपर उसके तेल के ऊपर, पानी के ऊपर डाल देते हैं। ऑयल जैपर क्या करता है, उसको सबको पी लेता है तेल को। तो हम कृत्रिम रूप से बनाया ऐसा ऑयल जैपर, इन्हीं को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, जो जेनेटिकली रूप से हमने क्रिएट किए, उनके जीनों में परिवर्तन, उनके डीएनए में परिवर्तन, उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन करके उनको बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम। इसी प्रकार प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये प्लास्टिसाइजर क्या होता है, बेसिले रसायन प्लास्टिक वाले जो प्लास्टिक होते हैं। आप सोच रहे हो यार प्लास्टिक नहीं होता, तो हमें ऐसे जीव बना सकते हैं जो प्लास्टिक को कंज्यूम कर जाए, खा जाए, तो प्लास्टिसाइजर वही प्रकार का होता है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं किसको, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के मेथड से, ठीक है। जीएम दो उदाहरण है, जैसे गोल्डन राइस और जीएम फर्स्ट फर्स्ट, ये हो गया। तो ये पूरा जो आज का हमारा ये लेक्चर था यहाँ तक ही था, आप इसको कोशिश करें कि इसको पढ़ने की यहाँ तक कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हम आगे स्टेम सेल पर आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसमें देखेंगे। धीरे धीरे मैं इसका अभी और 6-7 वीडियो और बनाऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। एक बार तुम बेसिक समझ गए तो उसके बाद वहाँ तुम्हारे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, तो किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में करते हैं। लेकिन आप प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इसको समझने की कोशिश करें, अगर समझ में नहीं आए, एक भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो झूठी हाँ नहीं भरें, अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है, और पूछें।